भी जो हिजबुल्ला के कमांडर हैं उनको निशाना बनाया गया है। जी और और जिस तरीके से हमला हुआ है जिस शिद्दत का हुआ है और पूरा जो हेडक्वार्टर उनका है तबाह हुआ है और जिस तरह की इंटेलिजेंस जो है आ, उसकी यानी आप कामयाबी कहेंगे हुँ, हुँ। और उसने सदमे की बात तो है और मुसलमान जो है वो तो यानी घबराता नहीं ख़ून देने से इकबाल ने कहा है ना कि खरीदें ना हम जिसको अपने लहू से मुसलमान को है नंग वो पातशाही तो हम अपने खून से अपने असूल हैं और अपनी कदरें जो हैं उनकी हिफाजत करना जानते हैं लेकिन ये जिस तरीके से इसराइल हमला आवर हुआ है और जिस तरह पहले उसने पेजर्स जो है उनके जरिए से हाँ जी वॉकी टॉकीज हजारों हैक किया उनको अफराद को निशाना बना डाला और अब हसन नसरुल्ला को जिस तरह टारगेट किया है उससे पहले आप देखिए ईरान के अंदर थानिया थानिया को जिस शहीद किया गया कि इतनी सर जल्दी क्या है इससे इस आप ये अंदाजा लगाए ना मुसलमान जो हैं वो खोल भी रहे हैं गुस्से एक और वो चाहते हैं पंजाबी में कहते हैं तचीचियाँ वट रहे हैं सारे और खून जो है ना वो जोश मार रहा है हुँ। लेकिन हुँ। ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा हमारे हमारे जो हम सब जितने मुसलमान मुल्क हैं जब वो अपने मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हो सके और अकवाम मतदा जो है वो बेअसर हो गया और सबसे बड़ा मसला उसको फलस्तीन का था बाद में कश्मीर का पैदा हुआ सर यह भी खबर तो आई कि जब ये इसका जो फैसला हुआ इसका जो हुक्म जारी हुआ वो वहां पर ही थे नितिन याहू उस वक्त अकवा मुतम तकरीर के बाद उन्होंने वहीं वही से इसका जो तो है वो अपनी टा, टाइमिंग लेकिन फिर ये जो, ये जो यानी मजात की तहरीकें है, जो हैं उन्होंने जन्म लिया उन्होंने कहा रियासतें तो कुछ कर नहीं सकती अब हम मामला अपने हाथ में लेते हैं अब उसके बाद जो इसराइल है अब हिजबुल्ला हिस्ब, उसके दांत खट्टे कर चुकी है लेबरान से उसको निकलने पर मजबूर कर चुकी है